न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। किसानों को लेकर आंदोलन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संबित पात्रा ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी किसानों के जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान के जवाब में संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे चाहते हैं कि सड़कों पर लड़ाई हो और राहुल गांधी किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। उन्होंने कहा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक है राहुल रिहाना और टिकट। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज कहा था कि सरकार किसानों के प्रदर्शन स्थल पर किलेबंदी कर रही है, क्या किसान देश के दुश्मन है? इस पर संबित पात्रा ने जवाब देते हुए कहा था कि भारत की सरकार कील बिछाकर किलेबंदी कर रही है। आप ही लोगों ने 26 जनवरी को यह प्रश्न किया था कि दिल्ली पुलिस क्यों प्रिवेंट नहीं कर सकती, आज वो जब प्रिवेंटिव मेजर ले रही है तो आपको दिक्कत है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी जी ने धमकाया है कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। राहुल जी ने ये तो किसान का आंदोलन है और किसानों ने कहा है कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, फिर आप उनके पैरोकार क्यों बन रहे हैं? ये उनकी अपरिवक्तता है। उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि गोली चले, किसान पुलिस आपस में भिड़ जाए, लड़ जाए, लाश बिछा जाए, और वो नहीं हो सकता क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है। कुछ लोग तिरंगे झंडे की जगह धार्मिक झंडे फहरा दिए हैं, आप तब नहीं कह रहे थे? बीजेपी के लोग हैं ये जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और जब उनके गिरफ्तार किया जाता है तब आप उनको लीडर एंड देने का अवार्ड देते हैं और गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये आपके ही लोग हैं। किसान आंदोलन पर जानी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट को लेकर भी संबित पात्रा ने कहा कि राहुल जी रिहाना और मियां खलीफा संसद सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो इसे समझते हैं ना राहुल को, राहुल जी, क्योंकि कुछ मामलों नहीं है बल्कि सारे मामलों में आपको कुछ नहीं पता है। दोनों ही तारीफ और रवि का अंतर नहीं जानते। रिहाना तब क्यों चुप रही है जब कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी के स्टैचू को तोड़ दिया गया? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वे विदेश क्यों जाते हैं, आज ये क्लियर है। वे हिंदुस्तान विरोधी प्रचार में भी शामिल होते हैं, वे ऐसे लोगों से मिलते हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार सबको मारना चाहती है, नहीं, ये सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास में, सबका विकास में ये चाहती है। ये निंदनीय है, सब कैसे विकास करे, सब कैसे उभरे, ये सरकार की चाहती है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा था कि अधिकतर तानाशाह के नाम पर एम से क्यों शुरू होते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए वो लगता है कि ABCD सीख रहे हैं और एम पर पहुंचे हैं। आज वे मियां खलीफा की भी तारीफ कर रहे हैं, उनका नाम भी एम से शुरू होता है। मनमोहन सिंह और महात्मा गांधी का भी नाम एम से शुरू होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।